नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन की हमीरपुर इकाई के द्वारा हीरानगर जंगल में पौधारोपण किया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पौधारोपण के दौरान 150 पौधे रोपे गए। एनजीओ के अध्यक्ष पंकज भारती की अगुवाई में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीएफओ बन्ना ने शिरकत की और पौधारोपण किया। जेएनयू के अध्यक्ष पंकज भारती ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के चलते ही नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हीरानगर के जंगल में पौधारोपण कार्यक्रम में पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पूरे जिला में 150 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा जिला के सभी उपमंडल स्तर पर भी पौधारोपण कार्यक्रम जेएनयू के पदाधिकारियों ने किया है। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हिमाचल इकाई द्वारा पूरे प्रदेश में पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला में भी जो है वो पांचों उपमंडलों में जो है वो इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमारे साथ मैडम डीएफओ हमीरपुर जो हैं, मैडम एलसी वंदना जी, उन्होंने हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही हैं और उन्होंने पौधारोपण किया है। इसी क्रम में सुजानपुर में भी अभी तक कार्यक्रम हो गया है, भोरंज में भी कार्यक्रम हो गया है और अपना नदौन में भी एसडीएम साहब वहां पे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे और वहां पे भी कार्यक्रम हो गया है। तो पूरे जिला में हमने 150 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम विभिन्न प्रकार के जो फलदार पौधे हैं, इसके अतिरिक्त जो अन्य प्रजातियाँ हैं,